पिछले दिनों हुई ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की और एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं ललितपुर और चंदौली में हुई जघन्य अपराधों की घटना की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। ललितपुर में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ है। जब पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने गई तो थाने में मौजूद दरोगा ने न्याय दिलाने की जगह पर पीड़ित के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चंदौली में दो बेटियों को घर में घुसकर पुलिस कर्मियों द्वारा बहरहमी से पीटा गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम में अपराधियों पुलिस कर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और योगी जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ललितपुर में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ जब वो बलात्कार की शिकायत करने पहुंची तो थानेदार ने उसके साथ एक बार और बलात्कार किया। ये कितना निंदनीय काम है। एक पुलिस का अधिकारी थाने में ही अपनी जो है समाज के एक 13 वर्षीय बच्चे अबोध बालक के साथ बच्ची के साथ अगर बलात्कार करेगा तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कहने को कुछ बचा ही नहीं है, हमारे कहने को कुछ बचा नहीं है। इसके बाद जो है चंदौली में दो बच्चियों के साथ जो है पुलिस द्वारा टॉर्चर किया गया और एक को का मर्डर कर दिया गया, वो मार दिया गया उसको, उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस कस्टडी में अगर महिलाएं चंदौली में हत्या की शिकार होंगी, ललितपुर में बलात्कार की शिकार होंगी, तो मैं समझता हूं योगी जी को इन लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना करने को सोच भी ना सके। और अगर नहीं कर सकते तो उन्हें गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं रह जाता है। ये कोई चुनाव का मैटर नहीं है, ये समाज और बच्चियों के भविष्य का मैटर है, उनकी सुरक्षा का मैटर है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जिसने 13 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया है उसे आजीवन कारावास होना चाहिए उस इंस्पेक्टर को।